इंग्लैंड में वक्त गुजार कर पैदल चलो तुम, और इंग्लैंड में पैदल चलना कोई आसान नहीं, इसलिए कि कोई पैदल चलता ही नहीं। और तो भी कौन ये जमात पैदल चल रहे बोली तो मीडिया वाले आ गए थे, बोले यार ये बहुत ही पूरे कड़ा वाले कड़ा कड़ा इधर की भी वाले, और मौसम भी पास मतलब माइनस डिग्री इसमें चले जाते हैं एक्सट्रीम। तो एक जमात पैदल चल के जा रही थी तो मीडिया वाले आ गए, बोले वॉकिंग अब क्या बोलना, वे आर वॉकिंग फॉर पीस करके बोला, वे आर वॉकिंग फॉर पीस इन द वर्ल्ड, तू जैसे पेपर में इनका फोटो डाल रहा है, दे आर पीस वॉकर्स इन अवर एरिया का पेपर डाल रहा है, वो देखे तो वो इनकी नमाज जाते जाते कपड़े धुलाने की जरूरत पड़ी थी, एक लॉन्ड्री वाली औरत के पास जाकर कपड़े धुलाए थे, उसे पैसे देखो कपड़े धुलाए थे, फिर लेकर के चले गए। तो फिर वो औरत तलाश कर लगे कहते जमा आई टुक मनी फ्रॉम पीस वॉकर आई हैव कमिटेड अ क्राइम प्लीज टेक बैक योर मनी करते हैं। लोग अल्लाह ताला मुतवज्जे करते हैं इस तरह सुन्नतों को लेकर, ईमान को लेकर, आखिरत की फिक्रों को लेकर, जब दुनिया में हरकत होती है अल्लाह दुनिया के इंसानों के दिलों को पलटते हैं। जिम्मा जा रही थी पैदल और बाकायदा वो टैंक लेके चलते हैं अपने साथ, जहां कोई मुसलमानों का एक घर दो घर हो तो उस इलाके में उस काउंटी में उस इलाके में उस एरिया में वो जमात दो दिन क़याम करती है और आमले फुकवत को जिंदा करती है। सुन्नत के मुताबिक खाना, सुन्नत के मुताबिक सोना, तालीम करना, गश्त करना, तहज्जुद में दुआ करना, एक बर्तन में बैठ के खाना, हर कुछ जिंदगी। और कोई भी मुसलमान न हो सारे गैर हो तो उस गांव में 24 घंटे जमात कायम करती है और आमले नबूवत को जिंदा करती है। तो ऐसे ही की जमात रास्ते में पानी प्यास लगी, पानी की जरूरत पड़ी तो एक खेत में जाकर वहां पानी रखा हुआ था, उन्होंने वहां एक अंग्रेज था उससे पूछा कि पानी वी वांट वाटर, पानी लेते बैठते बिस्मिल्लाह बोलते और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक लिया बैठा पिया, दूसरा लिया बैठा पिया, तीसरा लिया बैठा पिया, जब ये सब बैठ बैठ के पीने लगे तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कहा वंडरफुल ड्रिंक वाटर वेयर आर यू सिटिंग, फ्रैक्चर क्यों पीते हैं। अजीत गनों से जब इस्लाम को दिखाया जाता है फिर लोग समझेंगे बात को और इस्लाम को सुनाएंगे तो फिर जमात के साथियों ने उस अंग्रेज से कहा कि सी अवर प्रॉफिट हैज टॉट अस हाउ टू ड्रिंक वाटर, हमारे नबी ने हमें पानी पीने का तरीका है। वंडरफुल In your religion, they teach how to drink water also. Wonderful guy. फिर बोले कहते not only how to drink water, सिर्फ पानी पीने का तरीका नहीं, पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका, थूकने का तरीका भी सिखा, पेशाब करने का तरीका सिखाया गया और इसी को सीखने के लिए हम रास्ते लिए। अमल का असर होता है, बातों का असर नहीं होता, और बातों का असर वक्ती होता है, अमल का असर परमानेंट, ऑडियो का असर ज्यादा कि वीडियो का असर ज्यादा बोलो तो प्रैक्टिकल वीडियो फिर बोले ओ वंडरफुल वंडरफुल वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट कहने उनको जानियो क्या बोले मैं आपके साथ आ सकता हूँ, मैं ना फ्री तो बात नहीं तो जमात चलने लगी, इनकी नमाजें, इनकी आपस की मोहब्बतें, इनकी किस्मतें, इनकी दुआएं, इनका सीखना सिखाना, इनके चेहरे का वो नूर जो इबादतों से और दावत से नसीब होता है, सच्चे आदमी के चेहरे पर जिसका ईमान सच्चा हो अल्लाह एक नूर देते हैं। सहाबा के तलों से लगा कुरान में कहते हैं
इमामों की वजूह में मिन असर सुजूद के उनके चेहरों पर सजदों के आसार हो जाते हैं। तहज्जुद गुजार के चेहरे पर एक अलग नूर होता है, दाई के चेहरे पर एक अलग नूर होता है, जिसकी नजरें नहीं भटकती उसके चेहरे पर एक अलग नूर होता है। फिर वो नूर खींचता है लोगों को। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत बड़े यहूदी आलिम, इस्लाम में दाखिल होने से पहले बहुत बड़े यहूदी आलिम, और तौरात में सब लिखा हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आप नबी होंगे, ये उनकी अलामतें होंगी, ये